हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ब्यूटी टिप्स एंड डाइट टिप्स। ओके, और आज हम लोगों को बताना चाहेंगे डाइट के बारे में। और जो लोग अपना वजन से मतलब परेशान हैं और वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहूँगी, ठीक है। और मैं आपको डाइट प्लान बताऊँगी और आप लोगों ने वो फॉलो करना है और आप लोग देखें आपका कैसे तेज़ी से वेट लूज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले उठना है मॉर्निंग में, जब आपका एम्प्टी स्टमक होगा, ठीक है। तो आपने एक मतलब वाटर है ना, पानी, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। पानी के अंदर आपने दालचीनी डालनी है, ठीक है। और दालचीनी डालने के बाद उसमें आपने डालना है जीरा, और जीरा डालने के बाद उसको बॉयल कर देना है। जब वो बॉयल हो जाएगा उसमें एक येलो कलर आएगा, उसको छान के आपने पी लेना है एम्प्टी स्टमक। डेढ़ कप आपने पानी डालना है, एक कप जब रह जाए और आपने इसमें नींबू निचोड़ना है, बस पी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं आपको जो बताने लगी वो एग डाइट है, ठीक है। आपने एक टोटल 3 से 4 दिन करनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं, या टोटल 5 दिन भी कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप ये डाइट नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि ये एग डाइट है और एग डाइट आप इतनी ज़्यादा कर सकते, ठीक है। जैसे GMC डाइट आप नहीं कर सकते ना इतनी ज़्यादा, वैसे ही एग डाइट है, ठीक है ना। GMC डाइट आप 7 डेज कर सकते हैं, तो इसी तरह आप एग डाइट पे भी कर सकते हैं। इसी तरह आप मिलिट्री डाइट जैसे 3 डेज करते हैं, तो यही हर एक डाइट का अपना अपना टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से आपको करना पड़ता है, आपको उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो आज मैं आपको यही बताने लगी थी कि वेट लूज के बारे में, तो मैंने स्पेशल यही वीडियो बनाई है आज वेट के बारे में। तो जो लोग अपने वेट से परेशान हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आप अपना वेट कम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडा, ठीक है। आप या तो अंडे का ऑमलेट बना भी सकते हैं, अंडे को बॉईल भी करके खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं। दिन में आपने टोटल 2 मॉर्निंग में और 2 लंच में, और आप 3 कर दें, 3 डिनर में इनफ, ठीक है। और कितने हो जाएंगे, 3, 2, 5, 6, 7, ओके 7 eggs आपने ये खाने, और उसके बाद आपने 7 eggs खाने आपने दिन, ठीक है। और अगर आपको भूख लग रही है ज़्यादा, तो आप 8 भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वैसे 8 भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेट आपका लूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब आपके सामने, मुझे पता है जब आप डाइट करेंगे, घर वाले अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, कभी कोई पुलाव बनेगा, कहीं पे शामी कबाब, कहीं पे चिकन, कहीं पे बिरयानी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल करना है अपने दिल पे। जितना आप कंट्रोल करेंगे ना, जितना, उतना मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जितना आप कंट्रोल करेंगे। आप जब वो मतलब खाना खाए ना, तो आप उधर जाए ही ना, आप अपने दूसरे कमरे में चले जाएं, उस कमरे में जाके बैठें, और फिर वहाँ से बाहर ही ना निकलें। जब तक खाना लगा हुआ है तब तक आपने बाहर नहीं आना। उसके बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो खाना हो जाएगा फिनिश, बर्तन हो जाए, वो उठ जाएंगे। फिर आप बाहर निकलें रूम से, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना खाना खाना है, ठीक है। या फिर आप उस वक्त भी खा सकते हैं जब वो लोग खा रहे, लेकिन मामूली मतलब लोग अक्सर ना खाते हैं अपना, मतलब जैसे लेट डिनर करते हैं, लेकिन आपने 8 बजे तक कर लेना है, 8 से 9 बजे तक, इससे आगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ड्रिंक लेनी है 2 घंटे बाद, ठीक है। और उसके बाद आपने सो जाना, या अगर आपका दिल नहीं कर रहा सोने का, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने सो जाना है, आप उठ जाएं, बेशक उठ जाएं, ठीक है। तो ये करना है आपने, और फिर आप जब मर्जी आपका दिल करके सो जाए, मैं आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाने वाली। जैसे लोग कहते हैं आपने सो जाना है 11 बजे 12 बजे सो जाना है, ना मर्जी है आपकी, जब मर्जी सोए आप, ठीक है। लेकिन 8 घंटे की स्लीप होती है बस, वो आप जब मर्जी ले लें। तो ये है, बाकी आप लोगों ने ये इंशाल्लाह डाइट फॉलो करनी है, और फिर मुझे बताना है आपने कि आपका मतलब कैसा रिजल्ट है डाइट का, और इसका मतलब क्या असर हो गया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपने 3 से 5 दिन मैंने आपको डाइट बताई है, आप कसम से फॉलो करें और आप देखें अपना डाइट से आपका होता क्या है, ठीक है। 5, 6, 7 kg ईजिली आपको ये लूज़ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ना जो बैली होगी ना, वो अंदर जब जाएगी ना, आप 5 दिन ये जब करेंगे ना, तो फिर आप में खुद ही होगा इंटरेस्ट कि यार ये डाइट करने से मेरा मतलब मुझे इतना फ़र्क पड़ गया है, तो मैं डाइट कर देती हूँ। आप बताओ क्या करें, अपने मोबाइल के अंदर ना वॉलपेपर लगाएं, ठीक है, और मतलब किसी स्लिम का या कुछ भी जो भी आपका हो आप वैसा लगाएं, ताकि आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और आप
हाँ जी, तो बस फिर आपने घबराना नहीं है और आपका इजीली वेट लूज हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया है कि आपने रूम में चले जाने, आप जब 5 दिन करेंगे ना तो आप में खुद ही मोटिवेशन हो जाएगी कि यार मैंने अब स्लिम होना ही होना है। आप जब 5 से 6 डेज भूखे रह सकते हैं तो फिर आप आगे भी रह सकते हैं। देखिए, अब हमने खाना खाना है, खाना खाना क्या है, खाना सिर्फ एक मतलब टेस्ट है, उसके बाद तो ख़त्म। तो आप खाना ही मत खाए ना, आप यही सोचें कि खाना तो सिर्फ टेस्ट है। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें कि यार मैंने होना है पतला। और जब आपको लगे ना कि मुझे भूख लग रही है, तो आपकी मतलब किसी स्लिम लड़की की, किसी भी लड़के की, कुछ भी कोई भी ऐसी पिक्चर्स में है जिससे आपको हो कि मैंने यार मैंने अब तो पतला होना है, मैंने नहीं खाना खाना, तो ये मैं अक्सर अपने साथ भी ऐसा ही करती थी। तो इसलिए मैं आपको अपने ही टिप्स बता रही हूँ। और कोई भी मतलब ऐसे जैसे कोई स्लिम सी शर्ट है या कुछ भी है ना, आप सामने करके आपने कहा मैंने ये फिक्स होना है इसके अंदर, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको वेट बहुत जल्दी लूज होगा। और जिम भी रखें इसके साथ और सब कुछ रखें। और फिर मैं आपको ना और भी डाइट प्लान बताऊंगी, ये तो नहीं कि इसमें सिर्फ आपको यही डाइट बता रही हूँ, तो और भी हैं, बहुत ज़्यादा डाइट्स हैं, कीटो है, ठीक है, और बाकी पोर्शन कंट्रोल सब कुछ बताऊँगी। लेकिन ऐसा ऐसा अभी मैंने आपको जो लोग बताया ना, आप लोगों को जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो ये फॉलो करें, मैं आप फिर देखें आपका वेट कैसे लूज होता है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपका कितना आपने ये डाइट की है और आपका वेट लूज हुआ है या नहीं, ठीक है। और बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, ताकि मेरी और वीडियोस जो भी होती हैं वो आप तक पहुँच जाएँ और आप वो लोगों को पता चले, ठीक है। और मैंने अपनी स्किन के बारे में भी वीडियो में बताया था कि नाइट स्किन, ठीक है, वो भी मैंने शेयर की हुई वीडियो, तो वो भी आप लोग देखिएगा। और बाकी मैंने बाकी जो जो होती है इम्पोर्टेंट लगती है मुझे, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हमारा तो काम है बस आप लोगों तक बताना, आगे आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। तो बाकी आप बस फॉलो करें लाइक और भूल जाएं लोगों की बातें, लोगों के ताने और लोगों की इस पर आप कुछ भूल जाएं और अपने आप पे फोकस रखें। आप इंशाल्लाह मैं कहती हूँ आप करेंगे, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। और बस एक याद रखें अपने दिल के अंदर, जब तक आप गुस्सा नहीं रखेंगे ना कि यार मैंने पतला होना है, तब तक नहीं होंगे। इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा तो जिससे आपको मोटिवेट हो, ठीक है, मोटिवेशन मिले आपको, ठीक है। तो आपने बस ये करना है और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट फिर मिलूंगी। आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था और मीशो फिर से आपसे मिलेगी, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और लाइक सब्सक्राइब और जो भी आपका दिल करता है वो सब कुछ करें, ठीक है। और बाकी मैं आपसे फिर दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।